Hey guys, हम पहुंच चुके हैं काठमांडू काठ गोदाम ओ सॉरी काठ गोदाम पुल बनाना यो ये कैची धाम है बाबा का धाम। बस यार वीडियो के लिए आप नाश्ता जरूर बने रहो, बिल्कुल स्किप वगैरह बिल्कुल मत करो। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये हमारा ब्लॉग क्या होने वाला है, क्योंकि मेरा आप देख रहे हो, मेरे कंधे पर आप बैग देख रहे हो और पीछे मेहुल मेदुल। मैं जा रहा हूँ नीम करौली, यानी कि मैं ही जा रहा हूँ, ये लोग नहीं जा रहे हैं, आरती और मेहुल मेदुल। और मेहुल कह रहे हैं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। क्यों? मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। तो गाइज मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के साथ, और आके जो जो कुछ होता रहेगा मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो चलते हैं। वैसे भी मुझे लग रहा है मैं लेट हो गया, फटाफट मुझे ट्रेन पकड़नी है 11:30 की, और 11 तो यहीं बच चुका है, 11 से ज़्यादा तक हो गया है। चलो बाय बाय। अरे भैया जाने तो दो, ट्रेन छूट जाएगी, ट्रेन क्लास शुरू होने वाली है, ट्रेन छूट जाएगी। क्या ले आऊँ तुम्हारे लिए? गुरुचेला जूस और कुछ कोल्ड ड्रिंक। कीड़े को मार दिया। चलो बाय। इसमें आ गया स्टेशन पे, और स्टेशन आने में यहाँ 10 मिनट लगते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस है, और ट्रेन आने में अभी 10 मिनट बाकी है। और जो मेरा फ्रेंड है वो शायद पहुँच चुका हो, उसने कहा कि मैं घर से निकल चुका हूँ। और गाइस बारिश हो रही है बहुत तेज़, तो थोड़ा थोड़ा भीग भी गया हूँ मैं, और मैंने कहा 10 मिनट में क्या भीग जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं भीग गया थोड़ा। तो ट्रेन आने में अभी 15 मिनट है, कौन से स्टेशन पे आएगी ये भी मुझे अभी पता नहीं। तो गाइस मैं नीम करौली जा रहा हूँ, और जो जो रास्ते में होता रहेगा आपको बताता रहूँगा। ये चीज़ ये उत्तराखंड में पड़ता है, और यहाँ से 150 किलोमीटर है, बहुत मान्यता है उसकी, जो भी विशेष मांगते हैं वो पूरी होती है। आप सभी के लिए मैं प्रेयर करूँगा कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो। अब बस ट्रेन का वेट है, फिर चलते हैं, भाग के आया थोड़ा सा। गाइज हमारी ट्रेन 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी, अभी मेरे फ्रेंड ने फ़ोन करके मुझे बताया, तो मैं आपके फ्रेंड से मिलाता हूँ अभी। मीट माई फ्रेंड सचिन मौर्य। हेलो गाइज, गले लग जाओ, गले लग जा भाई, गले लग जा। हेलो गाइज, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, तुम्हारी वजह से मैं जा रहा हूँ। एवरीथिंग इज रिटन, लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। पता नहीं मैं वो कह सकते हो कि मेरी वजह से हो गया, किस वजह से हो गया, बट जाना लिखा है तो जा रहे हैं। सही बात है यार, मेरे साथ भी कुछ ऐसे वाकया हो रहे हैं कई समय से, बहुत टाइम से इसी नीम करौली बाबा की बात चल रही है मेरे कानों में, तो मैंने कहा शायद बाबा बुला रहे हैं। सही बात है, और ये मेरी मशहूरी सचिन मौर्य की वजह से पूरी। थैंक यू सो मच सचिन। थैंक यू सो मच ब्रदर। चलो ट्रेन आने में थोड़ा सा टाइम है ना? हाँ थोड़ा सा टाइम है। तो गाइस हमारी ट्रेन आ गई है, आप देख सकते हैं। गाइस हमारी बोगी बिल्कुल जस्ट हमारे सामने, मैंने कहा यार ये तो कमाल हो गया, कहीं भागना भी नहीं पड़ा। गाइस एंटर करने से पहले मैंने मास्क क्लियर कर लिया। यस ऑलवेज मास्क बहुत जरूरी है। ओ गाइस ये हमारी बोगी 1 नंबर, और हाँ बरेली है। यहाँ बैठते हैं सचिन, पूरी खाली है अभी तो ऑलमोस्ट। हाँ कहीं बैठो यार। ये फाइनली मजा आएगा। या एक्चुअली मैं फ्रेंड के साथ बहुत दिनों बाद ट्रेवल कर रहा हूँ जी। गाइस हम बैठ गए हैं, और मैं चलने वाली है, यहाँ पे 10 मिनट का स्टॉप है यहाँ पर। सब लोग मास्क पहने हुए, मास्क बहुत जरूरी है भाई, तीसरी लहर कभी भी आ सकती है, इसलिए थोड़ा मास्क आप जरूर पहन के रखो। नहीं सैनिटाइज करके रखो, ये सारी चीजें। ट्रेन चल चुकी है, स्टेशन से रवाना हो चुकी। यस ये हम फोटोबाजी कर रहे हैं गाइस। ये वाली जो लाइन जा रही है, ये वाली ये जा रही है दिल्ली के लिए, और हम जो डिवाइड हो गए हैं ये जा रही है काठगोदाम के लिए। मैं काठमांडू बोल रहा हूँ, मानो काठमांडू। उससे पूछा मैंने कि ये काठमांडू वाली ट्रेन है, तो अगर काठमांडू नेपाल जाओगे क्या पता मूड कर जाए टैक्सी बुक करके काठमांडू निकल जाए। सही बात है गाइस, ये बरेली का सेकंड स्टेशन है, यानी कि इज्जत नगर, उसके बाद भोजीपुरा पड़ेगा। ये बरेली में ही स्टेशन है, कुछ किलोमीटर की दूरी पड़ता है। और गाइस ये सामने क्या चीज लिखी है आप थोड़ा देखना क्या है।
ये लिखा है गाइज, अदालत और पुलिस से आप बच सकते हैं, ईश्वर से नहीं। ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। गाइज ये आ गया भोजीपुरा जंक्शन, ये बरेली का लास्ट है, इसके बाद किच्छा पड़ेगा, इसके बाद हम उत्तराखंड में एंटर कर जाएंगे। यस एग्जैक्टली, ठीक है। हे गाइस, हम पहुंच चुके हैं काठमांडू, काठगोदाम। ओ सॉरी, काठगोदाम कितनी बार निकलेगा मेरे मुंह से, काठमांडू। देख लो सबूत, देखो सबूत, देखो काठगोदाम है। काठमांडू वही लग रहा है ना। हाँ मौसम तो बहुत अच्छा है, देखो बादल भी है यहीं पर। यहाँ पे 3 घंटे पहुंच गए, बहुत जल्दी पहुंच गए ना, बहुत जल्दी आराम से। ओ भाई भाई साहब, तो बढ़िया नजारा है ना पहाड़ों का, भाई साहब कुछ बना नहीं सकते। इतनी धुंध छाई हुई है, यानी कि पहाड़ों में बादल छाए हुए हैं, वहां पर इधर हर जगह धुंध छाई हुई है, यानी कि धुंध बताऊं या पहाड़ों पर इस समय बादल आए। निकलने के साथ उधर से गलत है। अरे यार हम गलत आ गए, हम उल्टा चले पड़े, हमें जाना उधर से था, एग्जिट पॉइंट तो उधर है। पहाड़ों का जो नजारा है ना, उसमें खो गए तो उधर ही चले जा रहे थे। हाँ ये था, यही बात थी। हाँ अब हम यहाँ से ले रहे हैं टैक्सी नीम करौली के लिए, और हमने टैक्सी बुक कर ली है। ये हमारी टैक्सी है। मुझे गाड़ी चलाते वॉमिटिंग नहीं होती, अगर मैं पीछे बैठ जाऊंगा तो मुझे हो जाएगी, तो मैं आगे बैठता हूँ। गाइस हमने होटल भी बुक कर लिया है, और यहाँ से हमें पहुँचने में 1.25 घंटा लगेगा, 1 घंटा 15 मिनट चढ़ा के रखें। ठीक, ओके। यस सर ऑलवेज। यह मास्क बहुत जरूरी है, बहुत जल्दी चालान काट देंगे। नहीं केवल चालान की वजह से भी नहीं, अपनी सेफ्टी भी मस्त है ना, जिम्मेदारी हमारी, हमें खुद भी लेनी। सही बात है, हमारी खुद की सेफ्टी भी होनी चाहिए यार, तो आपकी खुद की भी है, दूसरों की भी है। कोई चालान काटेगा क्या, हम केवल तभी लगाएंगे। नहीं है, जैसे लोग हेलमेट चालान से बचने के लिए पहनते हैं, ना कि अपनी सुरक्षा के लिए। यस एकदम सही मैसेज दिया आपने, अपनी सुरक्षा के लिए परफेक्ट मैसेज दिया आपने। बिल्कुल सर, अपनी सुरक्षा पहले भाई। ये नैनीताल काठगोदाम इस एरिया में मैं आता रहता हूँ सर, सालों से हम लोग आ रहे हैं, बट आज जो मौसम जो नजारा है, अल्टीमेट, दिस इज ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत। बादल इतने नीचे नहीं देखे थे एकदम पहाड़ों पे, जहाँ तक हम जाएंगे भैया, शायद बादल वहाँ पे आ चुके हैं ना सब। गाइस वो जो है अपना रास्ता गया नैनीताल, और ये जाता है नीम करौली के लिए। क्या काटा वो, अभी काटा गया ये रोड। अच्छा पुल बना ना बगल में। हाँ पे बनेगा ये ग्वाला नदी है ये वाली, एक और पुल बन गया। वाह क्या नजारा है यार, ब्यूटीफुल। तो एक ट्रैफिक रोकते हैं तो दूसरा निकालते हैं यहाँ पे, जो है ना बड़ी गाड़ियाँ अलाउ नहीं। समय हम चल रहे हैं और बादलों में चल रहे हैं, और मैं आपको बताऊं सब धुंध छाई हुई है, और सबने अपनी लाइट ऑन कर रखी है, कुछ दिख नहीं रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है, ऐसा क्या पूरा फॉगी फॉग लग रहा है। कैमरा है इसलिए बहुत ही क्लियर से आपको फोटो दिख रहा होगा। हाँ ये पूरे बादल ही बादल है, कैसा नजारा लगा, गजब, अमेजिंग, हेवनली। गाइस हम पहुंच चुके हैं सर भीमताल, और भीमताल से थोड़ी दूर पे और रह गए, और मेरे पीछे भीमताल लेक है। हम आ गए हैं कैची धाम, यानी कि नीम करौली, ये नैनीताल में है, और हम होटल में आ गए। गाइस ये देखो सब पहाड़ी पहाड़ का नजारा है, ऊपर तक सब बादल ही बादल नजर आ रहे हैं। दिखा दो जो सब पसंद है। ओ मेरी छतरी के नीचे आजा, मेरी छतरी घेरे कमला खड़ी कर। दिस इज ब्यूटीफुल। तो गाइस ये हमारा रास्ता है होटल का, तो यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं। ये कैची धाम है बाबा का धाम, सोचो कितना अच्छा रूम है कि यहाँ से हमें धाम भी दिख रहा है। क्यों योगा कर सकते हैं यहाँ। वाओ पानी, यो कैसा लग रहा है बाबूजी, अल्टीमेट ऐसा लग रहा है। आराम करो थोड़ी देर ना। हाँ ये चाय आ गई है, और हम बहुत प्यारा नजारा
तो हमने कहा अभी खोलेंगे तो साउंड आएगा देखो। यस और अब आरती ने पूरी रख दी थी और दो टिफिन में आलू रखे। हाँ। सचिन खुश हो गया। भाभी जी ने पूड़ियां बनाई हैं। भाभी जी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, थैंक यू सो मच। लाइव स्ट्रीम में आपने कहा था कि भैया आइए खिचड़ी आइए, बट दिस इज मच बेटर। खिचड़ी ड्यू रही बट ये उससे ज्यादा बेहतरीन चीज है। सही बात। अब कुछ आ गया है, ये आलू की सब्जी। आरती ने 40 से 50 पूड़ियां बांध दी। ये शादी शुदा होने के फायदे हैं ना। बेसिकली ये केवल वो नहीं है चीज, वो मेरे हिसाब से भाई ये चीज ये शो करती है कि आपके जो अपने हैं वो कितनी केयर कर रहे होते हैं। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। या गाइस, शाम की चाय नहीं है ये, ये कॉफी है। शाम की कॉफी और ये ब्रेड और मक्खन। तो गाइस अभी हम शाम को ऐसी वॉक करने गए थे, सब सुनसान पड़ा हुआ है क्योंकि मंदिर का टाइमिंग जो है सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक है। ठीक है, तो आप दर्शन कर सकते हैं सुबह 6 से शाम के 7 बजे तक। ओके चलो, मैंने आगे पीछे कर दिया। ठीक है, सुबह काठमांडू कर रहे हो वैसे ही अभी ये भी चल रहा है तो रास्ते पर बोल के आया हम काठमांडू आ गए, तो काठमांडू नहीं काठगोदाम। तो चीजें तो ऐसी चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, वैसे एक घंटा आगे पीछे हो गया। ठीक है, अभी वो मत करना, हम भोवाली में आप कहोगे फिर भोपाल में। तो गाइस मैं आपको बताऊं, आज डे वन में आप इतने रखो कि आज हम नीम करौली बाबा के यहाँ आए और डे टू में कल दिखाएंगे हम नीम करौली बाबा गए और यहाँ का कैसा कैसा माहौल है, कैसा क्या है। आसपास बहुत अच्छा लग रहा है, झरने हैं, नदी है पास में बह रही है, वो हम कल के उसमें कवर करेंगे। कल सुबह आपको हम दिखाने वाले हैं। कल मॉर्निंग से हमारे बिल्कुल गुड नाइट बनाओ और कल का ब्लॉग हम मॉर्निंग से शुरू कर देंगे, तो कल आप वेट करिए। और ब्लॉग को थैंक यू सो मच, आपने पूरा देखा, तो पूरा देखना भी चाहिए यार, बीच में हर चीज अधूरी रह जाती है नहीं। तो ये चीज है। तो गाइस आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसी जिंदगी में खुशियां फैलाते रहिए। जय नीम करौली बाबा। चलो बाय बाय बाय।